और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुतुब मीनार के पास पहुंच गया हूं, और ये रहा दिल्ली का कुतुब मीनार। इसकी विशेषता है कि ये तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुनिया में इतना ऊंचा कोई भी मीनार, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है। ये 73 मीटर जो है ऊंचाई है, यानी कि 240 फिट। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मीनार, वर्ल्ड का सबसे ऊंची इमारत यह है कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और किस समय बनवाया था, मैं और पास जाता हूं और आप लोगों को तफसील से बताता हूं, यानी कि डिटेल से बताता हूं कि कब बनना था और इसको बनाने में कितना समय लगा था। ये रहा कुतुब मीनार दोस्तों, जो कि 240 फीट ऊंची है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके और करीब जाता हूं मैं। इस पे देखो बहुत सारे कल में लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो है अरबी में जो है कहने का मतलब दुआएं लिखी हुई हैं। और देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं अरबी में लिखा हुआ कलमा, दरूद बहुत सारी है। मैं चारों तरफ से मुख करवा, ये देखिए कलमा है लिखा हुआ है, सूरह लिखा हुआ है। मैं गोल 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 घूम रहा हूँ। इसका जो है चौड़ाई है कम से कम, मुझे ऐसा लगता है 80 फिट। देख सकते हैं आप लोग, ये सराउंडिंग में पूरा घूम रहा हूँ। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा इमारत। और दोस्तों ये 1199 में इसका जो निर्माण काम, इसकी जो तामीर का काम जो शुरू हुआ था, 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और ये बन के तैयार हुई 1220 में, यानी कि इसको बनाने में पूरे 21 साल लगे, 21 ईयर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको बनाना शुरू किए और बीच में उनका इंतकाल हो गया, यानी डेथ हो गई, तो इस काम को पूरा किया इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया। और कुतुब मीनार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बनवाना शुरू किया था। और 21 साल का समय लगा इसको बनाने में, और उस बनाने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है देहांत हो गया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे और भी इमारतें हैं जो कि टूट गई हैं, लेकिन देख सकते हैं पीछे इतने सब ऐतिहासिक स्थल है। ये हमारे देश का धरोहर है, डेली लाखों लोग आते हैं। और यहाँ पे 40 रुपये पर हेड टिकट है, फॉरनरों का ज़्यादा है, मुझे लगता है कि 100 रुपये के लगभग है। तो हमारे देश की इससे बहुत सारी आमदनी भी होती है, करोड़ों रुपए का साल में इनकम भी होता है। और अभी और आगे जाऊंगा और सारी चीज़ें दिखलाऊंगा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, आगे तक बने रहिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं इल्तुतमिश के मकबरा के पास, जिन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। जैसा कि बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। तो आज हम पहुँचे हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर, और क्या लिखा है हम कुछ पढ़ते भी हैं, आप लोगों को दिखलाते भी हैं। देख सकते हैं इल्तुतमिश का मकबरा 1235 सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्ताने गढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद 1235 में बनवाया था। देख सकते हैं आप लोग, मकबरे का मुख्य खर्च लगभग 9 वर्ग मीटर, इसके साथ मध्य में संगमरमर की बनी कब्र स्थित है। और हम लोग चलते हैं अभी उनके मकबरे के पास। ये रहा इल्तुतमिश का मकबरा, ये उसका एंट्री गेट है। इस पे भी देख सकते हैं अरबी में बहुत सारे कलमे और सूरह लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम इंटर कर गए हैं। और ये रहा उनका मकबरा इल्तुतमिश का, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। ये है उनका मकबरा, वाइट संगमरमर से बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं इल्तुतमिश जी का मकबरा यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा था, आज देखा।